अव्यवस्थाओं से जूझता शासकीय प्राथमिक स्कूल चिरहुला, जिंदगी को ताक पर रख स्कूल जाने को मजबूर छात्र। शहर में संचालित हो रहे सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि हम आपको पूर्व में भी आज़ादी के पहले से संचालित घोघर विद्यालय के बारे में बता चुके हैं, आज हम आपको दिखाते हैं शहर के चिरहुला मंदिर के पास संचालित हो रहे शासकीय प्राथमिक स्कूल चिरहुला का हाल। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चारों तरफ पानी के बीच स्कूल भवन और उससे चंद कदमों की दूरी पर लगा ट्रांसफार्मर। साफ सफाई जैसी प्रारंभिक बातों को तो हम भूल जाते हैं। स्कूल के चारों तरफ सुअर घूमते रहते हैं, चलिए उसे भी भूल जाते हैं। स्कूल में गंदगी और सुअर के बीच छात्र पढ़ाई करने आते हैं, कोई बात नहीं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरसात के दिनों में करंट फैलने का खतरा कितना ज़्यादा होता है, बावजूद इसके स्कूल के चारों तरफ फैला पानी और ये ट्रांसफार्मर, ऐसे में भला कौन से माता पिता अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर, स्कूल और गंदगी, पानी के बीच स्कूल के छात्र। सरकारी स्कूलों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। तभी तो सरकारी स्कूलों की बदहाली पर किसी का ध्यान नहीं जाता और मजबूरन माता पिता अपने बच्चों का दाखिला महंगे और प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं। समस्या यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जैसे पानी भरा हुआ चादर, और पानी बहुत कम बरसा है तब ये हाल है, और पानी अधिक बरसा बरसता है थोड़ा सा भी तो पानी स्कूल के अंदर आ जाता है, और बाहर भी पानी बरसता था अंदर भी पानी भर जाता है, तो हम साथ दिक्कत ये रहती कि बच्चों को कहाँ लेके जाएँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भीग जाते हैं, इनको बुखार उखार आ जाती है। और दूसरी बात, पीने की यहाँ पानी पीने की व्यवस्था सर, यहाँ पे हम अपने पैसे से नल का कनेक्शन करवाए हुए हैं, जिसे बच्चों को पानी छनवा के देते हैं,